TDM कार्ड का सेटिंग ये कीपैड है, लोड सेल का कनेक्शन इस तरीके से आएगा, वाइट ग्रीन रेड एंड ब्लैक। मोड का बटन दबा के काटा शुरू करना है, ऑन करिए, पास लिखा आएगा, फिर 00 हो जाएगा, फिर DSP, वही मोड का बटन ही दबाए रखना है, आगे यस ओके, आगे ऑटो 00 रखना है, ठीक है, आगे 2.0D ओके, आगे DP, आगे 0.30, ये पॉइंट आगे पीछे करने के लिए है DP, हाँ, उसके आगे स्टेप, उसके आगे S3 कैपेसिटी 3, जितनी कैपेसिटी करना हो उसको यहाँ लिखना है M+ से, फिर आगे मोड दबाते जाना, LD1 बोले तो ये एक्यूरेसी है, पहली एक्यूरेसी, आगे उसमें 1 ग्राम की है पहली एक्यूरेसी, आगे कैपेसिटी 1 ये पहली कैपेसिटी है, आगे उसमें 10 kg लिखना है ऐसे M+MR से, ये लिखा हुआ ये, आगे फिर LD2 दूसरी एक्यूरेसी, आगे वो 2 ग्राम की है, आगे कैपेसिटी दूसरी कैपेसिटी 2, आगे वो 20 kg भरा हुआ ही है, नहीं तो M+MR से भर सकते हैं, उसके आगे LD3 तीसरी एक्यूरेसी, आगे वो 5 ग्राम 30 किलो 5 ग्राम करना है ना, आगे कैपेसिटी तीसरी कैपेसिटी 3, आगे 30 किलो, ठीक है, आगे मोड उसमें कुछ नहीं करना है, लीटर उसमें भी कुछ नहीं करना है, नो कर देना है, ये लीटर केजी में नहीं करना है इसलिए, आगे पीस काउंटिंग, हाँ उसके आगे उसमें भी नो, आगे कैलिब्रेशन, अब इसमें कैलिब्रेशन करना है, कांटे का सेटिंग करना है, केल उसके बाद केल 0 आएगा, फिर उस पे आंकड़े आएंगे, फिर लोड लिखा आएगा, फिर उस पे वेट रख देना है, ये रखा है हमने, कितना रखा, 1 किलो 500 ग्राम, ये 500 ग्राम का वेट रखा है हमने, और अब आगे 500 लिखा ही हुआ है, नहीं तो M+MR से 500 ग्राम लिख देने का है, फिर आगे KLF आएगा, फिर आगे ये आंकड़े आएंगे, फिर आगे डन, बस ये कैलिब्रेशन भी साथ में हो गया वेट का, और मेन मेनू सेटिंग भी हो गया, इस तरह से होता है उसका 30 kg का, ठीक है।